If I make the wrong decision, I sit outside and I clap all day. In Indian cricket, there's the God and then there's me. That's the benchmark. Gill has a long way to go before reaching that level. विराट कोहली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली खुद को सचिन के बाद भारत का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बता रहे हैं। साथ ही शुभमन गिल के टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके लिए ये सब हासिल कर पाना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, विराट कह रहे हैं, मैं गिल को करीब से देख रहा हूँ, वे प्रतिभाशाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रतिभा दिखाने और स्टार बनने के बीच एक बड़ा अंतर है। लोग उसे अगले विराट कोहली के तौर पर देखते हैं, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कि केवल एक ही विराट कोहली है। मैंने जितने खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया है और जिन परिस्थितियों में रन बनाए हैं, गिल को ऐसा करने में टाइम लगेगा। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इसे सच भी मान रहे हैं, लेकिन ये वीडियो फेक है। इसे AI की मदद से बनाया गया है, जिसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये फेक हो सकता है। कई यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए AI पर हैरानी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। विराट कोहली ने इस तरीके का कोई बयान दिया ही नहीं है। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार हो चुके हैं। खुद सचिन ने इसे पोस्ट करके लिखा कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी सारा भी इसका शिकार हो चुकी है। पिछले साल रश्मिका मंदाना का भी एक डीप फेक वीडियो सामने आया था, जिसमें AI टेक्नोलॉजी की मदद से एक इन्फ्लुएंसर के चेहरे पर बड़ी ही सफाई से रश्मिका का चेहरा लगाया गया। लोगों ने इसे असली भी समझा। इसके अलावा आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं। AI कितना खतरनाक हो सकता है, ये इन वीडियो से पता चलता है। एलन मस्क ने भी इसके बारे में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परमाणु हथियारों से भी कई ज़्यादा खतरनाक है। PM मोदी ने भी डीप फेक को डिजिटल युग के लिए खतरनाक बताया था। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस के लिए नेशन मिरर से जुड़े रहें।